तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। लोकी का फोर्थ एपिसोड आ चुका है और यह एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त रहा। इसके लास्ट एपिसोड ने पूरे सीजन की हाइप बढ़ा के रख दी थी और फोर्थ एपिसोड उसको बरकरार भी रखता है। लास्ट एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि सिल्वी रमोना को समय के अंत में भेज देती है, जहाँ की ह्यू रेमेंस की बॉडी सड़ रही होती है, जहाँ पर मिस मिनट रमोना को उसके बारे में कुछ बताने वाली होती है। और यहीं से हमारा फोर्थ एपिसोड एंड होता है, जिसका नाम होता है हार्ट ऑफ टीवी। आगे मिस मिनट रमोना को बताती है कि समय के अंत में सारी जंग खत्म हो जाने के बाद ह्यू रेमेंस रमोना का थैंक्स करता है और उसे कहता है कि वो खुशनसीब था कि वो उसकी टीम में रही। इसके बाद रमोना टीवी वापस चली आती है और ह्यू रेमेंस मिस मिनट को बुलाकर प्रोटोकॉल 42 फॉलो करने को कहता है, जिसमें सभी की यादें मिटाली थी, रमोना की भी। आगे मिस मिनट रमोना को बताती है कि उसने ह्यू रेमेंस की मदद की यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही थी। इस तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो कि टीवी पर पहुंच जाता है। हंटर B-15 विक्टर के पास पहुंचती है और पीछे पीछे लोकी, मोवियस और सिल्वी भी, लेकिन विक्टर उन पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। तभी उसे लूम का एहसास होता है और विक्टर उसे अपना लूम बताता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम हंटर B-15 को जज गैम्बल के साथ देखते हैं, जो कि उन्हें बता रही होती है कि डॉक्स अभी भी जिंदा है। आगे जज गैम्बल हंटर B-15 को कहती हैं कि वो जनरल डॉक्स को जाके समझाएं और उसे बदलने में मजबूर कर दें। आगे विक्टर ओबी से मिलता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। वे दोनों एक दूसरे का ऑटोग्राफ लेते हैं और एक दूसरे की तारीफ में लग जाते हैं। तभी सिल्वी उन्हें कहती हैं कि यह सब बाद में करते रहना, पहले टीवी को बचा लो, नहीं तो बाद में करते रहोगे पहले आप और पहले आप। आगे वो भी अपना प्लान और मॉडल सभी को बताता है कि उनमें से किसी एक को मल्टीप्लायर से होकर लॉन्चर तक जाना होगा और उसके बाद उसे लॉन्चर पर लोड करना होगा। आगे वह कहता है कि यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम और है, बाहर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी जो भी बाहर जाएगा उसे बेहद जल्दी वापस आना होगा। और यह सुनकर लोकी और मोवियस के बीच बहस होने लगती है। तभी सिल्वी उनको शांत कराती है। आगे ओबी और विक्टर दोनों हाथ मिलाते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। आगे मोवियस शांति से केक खाने की बात करता है, लेकिन यह बात सिल्वी को बुरी लग जाती है और वह मोवियस को बुरा वाला सुना देती है कि तुम्हें किसी की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम सर पड़ी है और तुम्हें केक खाने की पड़ी है। दूसरी तरफ हंटर X-5 अपने साथ फंसे लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता है कि वे साथ मिल जाए और यहाँ से निकलकर अपनी अपनी ज़िंदगी जिए। तभी B-15 वहाँ आकर जनरल डॉक्स को समझाने की कोशिश करती है कि टीवी को उसकी हेल्प की ज़रूरत है और आगे आने वाली प्रॉब्लम को साथ मिलकर लड़ने की बात करती है। इस तरफ हम सिल्वी को देखते हैं जो कि गलती से केक की दुकान तक पहुँच जाती है, जिसके पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है। दोनों में मूवीज को लेकर काफ़ी बहस होती है। सिल्वी का कहना होता है कि तुमसे उम्मीद के सारे इन पर भरोसा कैसे कर सकते हो, लेकिन लोकी मूवीज की साइड लेते हुए कहता है कि उम्मीद के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वैसे भी उम्मीद पे तो पूरी दुनिया ही कायम है। दूसरी तरफ हम X-5 को देखते हैं जो कि जनरल डॉक्स और अपने साथियों को समझाने या कहें कि भड़काने में लगा होता है कि टीवी अपना काम निकाल कर हमें मार देगा। तभी वहाँ रेंसलेयर और मिस मिनट पहुँचती है और सभी को उनका साथ देने के बदले अपनी अपनी लाइफ वापस लौटा देने को कहती है, लेकिन X-5 को छोड़कर सभी उसके प्रपोजल ठुकरा देते हैं। रमोना X-5 को छोड़कर सभी को मार देती है। वैसे भी मुझे लग ही रहा था कि X-5 आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा और उसने कर दिया। इस तरफ हम देखते हैं कि ओवी और विक्टर साथ में काम पे लगे होते हैं और अचानक टेम्पेट काम करना बंद कर देते हैं। तभी मोवियस अपनी हॉट चॉकलेट के साथ वहाँ पहुँचता है, जिसमें विक्टर काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। इसके बाद विक्टर हॉट चॉकलेट का आनंद उठाने के लिए पहुँचता है, लेकिन X-5 आकर उसी को उठा ले जाता है और उसे उठाकर रमोना के पास पहुँच पड़ता है। तभी मिस मिनट सभी सिस्टम को कंट्रोल करने लगती है और तभी सभी को पता चलता है कि डॉक्स और उसके साथी मारे गए। तभी लोकी उन्हें कहता है कि रमोना यहीं है और वह टीवी पर राज करना चाहती है। और इस समय ओवी का मल्टीप्लायर रेडी होता है और अब जरूरत होती है विक्टर की। इस तरफ विक्टर रमोना के सामने होता है। इस तरफ लोकी और सिल्वी विक्टर को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन मिस मिनट उन्हें परेशान करने में लगी होती है। तभी हम लोकी के पास्ट का वेरिएंट देखते हैं, जैसे कि लोकी खुद प्रून कर देता है और उसी समय फ़ोन की घंटी भी बज रही होती है और यह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि ओबी का होता है। लोकी ओबी को बताता है कि मिस मिनट उन्हें परेशान करने में लगी है। तभी ओबी सिस्टम को रिबूट कर देता है, जिससे कि MM का काम भारी हो जाता है। लेकिन मिस मिनट जाते जाते विक्टर से यह बात कह जाती है कि तुम उसके जैसे नहीं बन पाओगे और जैसा कि ओबी ने सिस्टम को रिबूट कर दिया है,
जिससे कि सेफ्टी सिस्टम हट चुके हैं, यानी अब दोनों लोकी अपना मैजिक दिखा सकते हैं। आगे सिल्वी X5 को कंट्रोल करती है और रवोना को प्रून कर दिया जाता है। विक्टर लूम पहुंचता है और वह डिसाइड करता है कि वह बाहर जाके सब कुछ ठीक करेगा। आगे वह अपना सूट वूट पहनता है और बाहर जाने के लिए रेडी होता है, और जैसे वह अपना पहला कदम बाहर रखता है उसका सारा कचरा ही फैल जाता है। और ये सारा नज़ारा देखकर लोकी और उसके सभी साथियों के कान के बाल खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद पूरा लूम ही तबाह हो जाता है और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।